दरगाह कमेटी के नाजिम पद पर नाजिम अंसार अहमद के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश जारी किए। गुरुवार शाम नाजिम हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर दरगाह कमेटी कार्यालय पहुंच गए, लेकिन यहां उनके साथ जो फजीहत हुई उनकी एक बानगी आप भी देखिए। आप लोगों में तो कोई दिक्कत है नहीं, हम तो कर्मचारी हैं सर, हम जो नाजिम होंगे वर्तमान नाजिम तो उन्हीं का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं सर हम तो। भाई ना तो हमने चार्ज दिया है ना कुछ, अभी नाजिम हम ही हैं और वो 25 तारीख को परीक्षा ने वही जीते थे, अभी उसी पे उन्होंने स्टे दिया हाईकोर्ट ने। आप उनसे बात कर लीजिए, मैंने आपसे निवेदन कर दिया। दरगाह कमेटी कार्यालय में नाजिम के चेंबर का जब अंसार अहमद ने ताला खुलवाने के लिए कहा तो वहां मौजूद कार्यालय के प्रधान लिपिक शहनवाज ने चाबी देने से इनकार कर दिया। आखिर अंसार अहमद को ऐसे ही दरगाह कमेटी कार्यालय से निकलकर दरगाह परिसर स्थित नाजिम दफ्तर में शरण लेनी पड़ी। अंसार अहमद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अफजल हुसैन को कोई कार्यभार नहीं सौंपा, यह कार्रवाई पूरी तरह द्वेषतापूर्ण है। दिनांक 24 तारीख को एक आदेश हुआ था कि 25 तारीख को जनाब मोहम्मद अफजल साहब आपको चार्ज संभलाएंगे, तो वो 25 तारीख को वो नहीं आए, उन्होंने मुझे चार्ज संभलाया नहीं, चार्ज अभी तक मेरे पास ही है। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेडिकल अवकाश पे था। कल हाईकोर्ट ने आदेश किए कि आप एज इट इज़ जिसको जो यथास्थिति है वो कायम रहेगी, उस स्थिति के हाईकोर्ट के आदेश की पालना में आज मैं यहाँ पर ज्वाइन करने आया हूँ। उस ऑफिस में मैं गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था, काफ़ी रिक्वेस्ट की हमने शाहनवाज से, जो भी एम्प्लॉयज थे तो उन्होंने ताला नहीं खोला। ये भी दरगाह कमेटी का ऑफिस है, मैं यहाँ आ गया हूँ और मैंने अपनी ड्यूटी दे दी है और मैं बराबर नाजिम के पद पर काम करता रहूँगा। अब हाईकोर्ट ने 13 तारीख दी है, 13 फरवरी को सुनवाई होगी और 13 फरवरी तक मैं एज इट इज़ नाजिम के पद पर कार्य करता रहूँगा, ऑफिस में बैठूँगा, यहीं से कार्य चला लेंगे। पूरी दरगाह कमेटी का सर नाजिम हूँ, मैं दरगाह में कहीं भी बैठ सकता हूँ, इसलिए कोई ऑफिस का नाजिम नहीं हूँ मैं, दरगाह ख्वाजा साहब का नाजिम हूँ। नहीं, कामकाज भी करूँगा, नहीं मानेंगे तो। जब एक छोटा सा कर्मचारी आपके ताला खोलने को तैयार नहीं था तो किस तरीके से दूसरे लोग आप लोगों की बात मानेंगे कि आप लोगों के पास ऑर्डर है इस तरीके? ये तो इनके ऊपर ही है कि वही किसका आदेश मानेंगे, अभी मैं तो नाजिम हूँ। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंसार अहमद की वापस से नाजिम बनने की कोशिशें कमजोर हों। नाजिम का पद वापस संभालने आए डॉक्टर अहमद अपने साथ अपना वकील भी साथ लाए, लेकिन दरगाह कमेटी के मुलाजिमों के सामने उनकी दलीलें भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। उस याचिका पे दोनों पक्षों को हाईकमान उच्च न्यायालय ने सुनवाई करी और सुनवाई करने के पश्चात यह कहा कि मामले की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। यथास्थिति यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि 24 जनवरी का जो आदेश है उसमें 25 जनवरी को चार्ज मिस्टर मोहम्मद अफजल को यहाँ पर आके लेना था। जब 25 जनवरी को वो अफजल यहाँ चार्ज लेने आए नहीं, ये यथावत नाजिम रहे, वो ऑर्डर की पालना हुई नहीं, ऑर्डर की पालना हुई नहीं चूँकि इन्होंने चार्ज इन्होंने को दिया ही नहीं, उन्होंने इनसे चार्ज लिया ही नहीं, ऐसी स्थिति में वो आदेश जो विषय वस्तु है पूरे रिट का वो उच्च न्यायालय विचाराधीन है और उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि यथास्थिति बनाई रखे जाए, क्योंकि यथास्थिति यही है कि इनको यहाँ से न तो बर्खास्त किया है न टर्मिनेट किया है और रिलीव करने का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिससे 24 जनवरी का आदेश अभी लागू नहीं हुआ है और जो पूर्व आदेश जिसका आदेश की पालना के अंदर ये यहाँ पर नाजिम नियुक्त है तो वो विद्यमान है, ऐसी परिस्थिति में ये नाजिम है। पुष्कर नगर पालिका की साधारण सभा में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लगभग 20 करोड़ के बजट को पास कर दिया। पालिका अध्यक्ष मंजू कुर्डिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी पार्षदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पुष्कर विकास के लिए बिना शोर शराबे के बजट को पास कर दिया। पार्षदों ने बिना सूचना यात्री कर नाके छोड़कर भागने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया।
इसके अलावा साधारण सभा ने सफाई ठेके, यात्रीगढ़ ठेके, विद्युत ठेके सहित अन्य मदों पर खर्च होने वाली राशि को भी वित्तीय स्वीकृति दी। साथ ही व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर रखने पर भी सहमति बन गई। इससे पहले कांग्रेसी पार्षदों ने अधूरी जानकारी दिए जाने पर हंगामा मचाया। पार्षदों का कहना था कि सदन को गुमराह करने के बजाय पूरी जानकारी देनी चाहिए। बैठक की कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी ओम कसेरा ने बताया, आज नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक थी। इसमें कुल मिला के 5 प्रस्ताव थे, जिसमें सबसे मुख्य प्रस्ताव था नगर पालिका के वित्तीय वर्ष 2014-15 का बजट, जो कि 1924 लाख रुपए का बजट हमने बोर्ड के सामने रखा था। माननीय पार्षदों ने बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिए और सभी का पक्ष और विपक्ष की भावना से ऊपर उठकर पुश करके विकास के लिए सभी पार्षदों ने मीटिंग में रचनात्मक सुझाव देते हुए पूर्ण सहयोग किया और सभी 500 प्रस्ताव सर्वसम्मति से साधारण सभा द्वारा पारित कर दिए गए। और जो फाइनल बजट होगा वो बोर्ड का जो भी पार्षद के प्रस्ताव दिए गए हैं उनके उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद फाइनल बजट अनुमानित 20 करोड़ रुपए का होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष श्री शिवस्वरूप जी महर्षि ने यह मुद्दा उठाया था कि रामदेवरा मेले में चूंकि मूलतः पिछड़ी जाति के और गरीब तबके के लोग आते हैं और उस समय ठेके की शर्तों के अनुसार जो ठेका जो यात्री कर संग्रहण है वो दुगना कर दिया जाता है, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया। सदन ने इस पर विचार किया और अंत में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो दुगना वसूल किया जाता है कर रामदेवरा ठेके के टाइम पे, उसको दुगना वसूल नहीं करके जो साधारण दर है उसी पे वसूल किया जाए। यात्री कर ठेका जो राज्य सरकार DLV लेवल पे जारी होगा, जो पिछली बार ठेका 65 लाख रुपए करीब में जारी हुआ था, इस बार बढ़ा के उसको 70 लाख रुपए की निविदा आमंत्रित करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा जो घाटों में सरबंदी की हालत रहता है उस पर भी इसके लिए सभी सफाई कर्मचारी सफाई ठेके के अंदर सभी पार्षदों का सहयोग रहा और उन्होंने बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय की रचनात्मक सुझावों से पिछली बार जो ठेका 2 जोन में था, इस बार वो ठेका हमने 3 जोन में किया है और उसमें से 1 जोन सिर्फ घाट घाट का बताया है, जिसके लिए 10 श्रमिक तैनातियों की बीट वाइज नियुक्ति होगी और उसमें उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ घाट की सफाई करने की होगी, तो उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स होगी और उनको हम पाबंद भी कर सकेंगे और उस जिम्मेदारी के लिए उस घाट की सफाई के लिए वो व्यक्ति से जिम्मेदार होंगे।